सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुखिया कंचन शाही, पंचायत चलायन बांध, प्रखंड मझोलिया, जिला पश्चिमी चंपारण। मुखिया कंचन शाही अस्वस्थ होने के कारण चनायन पंचायत से बहू नीतू शाही को मुखिया पद हेतु उम्मीदवार के रूप में ला रही हैं। नीतू शाही ने बताया, हमारे पंचायत के बच्चे शिक्षा संस्कृति में बहुत पीछे हैं। अगर जनता मुझे मुखिया पद हेतु चुनती है तो शिक्षित समाज का निर्माण करना हमारा प्रथम लक्ष्य होगा। सिटी न्यूज की टीम चनायन बांध मझौलिया प्रखंड डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण का भ्रमण पिछले एक सप्ताह से कर रही है। इसी बीच में एक ऐसा परिवार हमें मिला जिनकी कई पीढ़ी वो जनता के लिए समर्पित है। आइए इसी कड़ी में हमारे साथ हैं नीतू शाही जी, उनसे उनका पहले पूर्ण परिचय लें। बताया जाए, मेरा नाम नीतू शाही हुआ, मैं इस परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरे पूर्वज पहले से पॉलिटिक्स में रह चुके हैं और समाज की सेवा करते आ रहे हैं। मेरे परबाबा हरगुण प्रसाद शाही जो मंत्री रह चुके हैं, आज के डेट में मेरी माँ सासू माँ जो मुखिया पद पे वर्तमान हैं, विद्यमान हैं, वो उनकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो मुझे कार्यभार मिल रहा है संभालने के लिए। तो जो मेरे परिवार को स्नेह मिला है वो स्नेह मैं आशा करती हूँ कि मुझे भी मिलेगा। और आपके जो है मतलब क्या है कि ये जो इतना लंबा चौड़ा इतने दिनों से जो ये सेवा वाली भावना चली आ रही है आपके परिवार में, इस दायित्व को आप अच्छे से निभा पाएंगी? मैं कोशिश करूंगी कि इस दायित्व को अच्छे से निभाऊं, क्योंकि मेरे ससुर स्वर्गीय विजय प्रसाद शाही वो भी बहुत दिनों से इस दायित्व को निभाते आए, आज माता जी निभा रही हैं कंचन शाही जी, और मैं कोशिश करूंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस दायित्व को अच्छे से निभाऊं और करूं। जनता का अगर आपको सहयोग मिला और जिस तरह से सहयोग मिलता आ रहा है, चूंकि आप नए पीढ़ी से हैं तो जनता के लिए आप अपने तरफ से क्या सोच है, पहला क्या काम जनता के लिए करेंगे? मैं पहला काम ये करना चाह रही हूँ कि मैंने देखा है कि पंचायत में हर कोई, हर परिवार से कोई ना कोई आता है, मेरा राशन नहीं है, गांव में वो नल नहीं है, मेरे घर में मेरे गांव में सड़क नहीं है, ये सारी चीज़ें लेके आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं से जो भी वर्तमान मुखिया रहते हैं वो सारे काम भी करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है बच्चों की शिक्षा, उस पर कोई फोकस नहीं करता है। और आज के डेट में आज देखिए, नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के छोटे से गाँव पानीपत जिले से आते हैं, वो आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे स्कूल में ना सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ना हमारे स्कूल में खेलकूद होता है गांव के स्कूल में, पंचायत के स्कूल में, तो मैं सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि मैं स्कूल में जो हमारे पंचायत के अंतर्गत जो भी स्कूलें आती हैं उन सारे स्कूलों में साल में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता करवाऊंगी, जिससे कल को होके कोई नीरज चोपड़ा हमारे गांव से भी निकल सकते हैं, जो ओलंपिक्स 2020 के में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कल को होके वो हमारे चनायन बांध पंचायत से गोल्ड मेडल ला सकते हैं। मैं इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और ये युवा पीढ़ी की ही सोच है कि आपने शिक्षा पे इतना महत्व दिया और शिक्षा में शिक्षा भी के साथ साथ मैं सांस्कृतिक सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटीज, जिसे आज आप देखते हैं टीवी पे डांस इंडिया डांस, इसमें एक टाइगर श्रॉफ जो आया था डांस इंडिया डांस में, बहुत छोटे से परिवार के, उसकी माँ घर में खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, तो जब तक उसमें टैलेंट आता कहाँ से है, जब तक उसको कोई ना कोई मोटिवेट करता है तभी टैलेंट कैसे आता है। तो हमारे स्कूल के बच्चों को टीचर उस तरफ मोटिवेट करेंगे कि हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, संगीत, जो भी है, इन सारी चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। और साल में मैं चाहूँगी एक बार हमारे जितने भी स्कूल हैं उन सब में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता हो। ये तो आपने सही कहा, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उनके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसके अलावा मेंटल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ पाता है। इन सभी एक्टिविटीज से ये तो जरूर बूस्टअप होगा और बच्चे के अंदर अच्छा से कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा ही करेगा। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, इतने मुखिया से हम लोग कई डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, लेकिन शिक्षा पे तो बात हुई है, लेकिन शिक्षा का जो मूल स्रोत है कल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज़, उस पर आपने महत्व दिया,
ये बहुत ही बड़ी बात है और हम चाहेंगे कि इसी तरह के नई पीढ़ी और नए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है जो समाज की दशा और दिशा को बदल सकेंगे और एक अच्छा प्रारूप दे सकेंगे। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।